दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ सीताराम गार्लिक कंपनी के पास और आज तारीख है 27 अगस्त 2024 मंगलवार का दिन है और यहाँ पे इस तरीके से ये गली दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखो गली देखो ये ब्लॉक का गली है ये और भैया जी यहाँ है इनका गाड़ी भी आई हुई है तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज बाजार कैसा है। भैया एकदम मीडियम लहसुनों में ज़्यादा डील करते हैं, मीडियम लहसुन में काफ़ी हाई रेट चल रहा है, उछाल भी बहुत खतरनाक है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज का कितनी गाड़ी आई हुई है, क्या बाजार में भाव है और कितने ग्राहक चल रहा है आज। तो कैसे हो भैया जी? तो और बताइए कैसे, सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक सर। तो ये बताइए आज गाड़ी कितना है? 1 मिनट बता रहे हैं सर। ओके ओके। तो गाड़ी देखो ये गाड़ी है भैया, गाड़ियों भी बता दो अपना। गाड़ी नंबर गाड़ी है सर 2 हिमाचल, 4 हरियाणा, 1 UP, 3 MP, 1 पंजाब है सर। एक पंजाब है। तो गाड़ी अब गाड़ियों का अंदाजा लग गया है जी जी। और चलिए भैया जी से रेट की जानकारी लेते हैं। और भैया ये गाड़ी कौन सा है? ये MP का है सर। MP का गाड़ी है भाई। देखो MP का माल आपको दिखा रहा हूँ। और भैया ज्यादातर मीडियम लहसुनों में डील करते हैं ना भैया? तो भैया जी ये बताओ आज की जो गाड़ी है MP का, ये इस गाड़ी का रेट क्या लग रहेगा? रेट चल रहा है सर लास्ट ऊपर बिक रहा है सर 250 रुपए ऊपर, 250 इसका जी। ओके, ये मीडियम लहसुन में ही है आपका ज्यादातर? मीडियम नहीं सर, मोटा भी है सर। मोटा भी है मतलब आगे में लगा हुआ है मोटा ना, बॉक्स पैकिंग तो नहीं है, बॉक्स क्वालिटी तो नहीं है, बॉक्स आगे वाले में सर, आगे जिसे है जी, अभी निकला नहीं जिसे अंदर दबा हुआ, वो अंदर दबा हुआ है ना जी। तो नीचे कितना है? बॉक्स वाले तो कम से कम करे 280-300 कम से कम करे सर। ओके ओके। तो मतलब बाजार भाव ये चल रहा है, मान के चले 200 से नहीं नहीं 100 मानिए कि 180 से लेके 300 तक बिक रहा है सर। ओके, ये अब ये नॉर्मल रेट हो गया रेगुलर ना जी जी, ये 2-4 दिन से यही रेट ज्यादा चल रहा है जी सर, जी सर। और अभी तो 270 का रेट तो माल बिक रहा है ना, 260-270 में 80 में जी जी, ये रेगुलर रेट है। तो गाइस देखो यहाँ पे जो रेगुलर रेट चल रहा है दिल्ली के अंदर, MP का माल हो गया, कहीं का भी माल हो गया, वैरायटी के हिसाब से 180, जैसे UP वाले भी हो गए सर तो वो भी 250 से कम नहीं, 250 से ऊपर ही चल रहा है, 195 रुपए किलो। ये मीडियम लहसुन का भी बिक रहा 305 रुपए तक भी बिक रहा। हाँ ये तो अभी रेगुलर हो रहा है, धीरे धीरे 300 तक पहुँच ही गया है पूरा। और भैया ये बताओ छिपा बलूत का क्या रेट चल रहा है? छिपा वाले भी सर वही पोजीशन है MP का, मानिए कि 190 से लेके 260-270-280 तक बिक रहा है, 80 तक। और इसका आपका राजस्थान का जो माल आ रहा है कोटा, राजस्थान कोटा वाले सर देखिए हर प्रकार के आ रहा है, जैसे पंपिंग है तो 100 रुपए किलो भी बिक रहा है, जो हल्का से हल्का जो फेंकने वाले हैं जो 50-60 रुपए उसको छोड़िए सर, जो बढ़िया वाले कोटा होंगे तो कम से कम 200 से लेके मीडियम 300 रुपए तक बिकेगी, बढ़िया जो रहेंगे क्वालिटी तक। ओके, 300 रुपए तक कही, मतलब अभी जो पहले 250 तक बोलते थे अभी 300 तक पहुँच ही गया है, काफी अच्छा रेट है। और ये जो आपका आ रहा है अभी हरियाणा, हरियाणा वाला सर कम से कम तो मानिए कि 170 से लेके 220-230 तक बिक रहे हैं, 230-230 तक बिक रहा है ना। तो ये मीडियम लहसुन ही ज्यादातर कहा कि सर देखिए हरियाणा वाले में कि धुलाई वाले लहसुन को ले जा रहे हैं। ओके ओके ओके, धुलाई वाले है। ओके ओके, इसीलिए। तो और इसका हिमाचल का क्या रेट है? हिमाचल का सर मानिए पोजीशन है 300 तक, 300 तक जी जी। ओके, तो ये 300 तो बना हुआ स्टेबल है एकदम, मतलब इससे नीचे तो जा ही नहीं रहा है ना, ऊपर ही जाएगा जाने से जी जी। और आपका जो ये श्रीनगर भी आ रहा है ना कुछ? श्रीनगर सर वही है, मानिए कि अभी 250 रुपए बिक रहे श्रीनगर भी। ओके ओके, कल गाड़ी उतरे थे। ओके ओके, 2-3 आदमी बोल रहे हैं कि 250 बिक रहे हैं। ओके ओके ओके। और कुछ तो हमारे ये ईरान और अफगानिस्तान वाला भी आ रहा है? नहीं आ रहा है सर आज, नहीं आ रहा है। नहीं सर ओके, अभी नहीं आ रहा है, बंद हो गया। नहीं बंद नहीं हो गया, लेकिन सर वो तो 1 नंबर में कागज में आ रहा है। हाँ 1 नंबर में, तभी तो रेट पूछ रहे हैं ना, 2 नंबर में तो कोई बात ही नहीं करना था, 1 नंबर में आ रहा है। तो क्या कुछ आइडिया तो होगा रेट का? वो आइडिया कम से कम तो 250 से लेके 260 रुपए तक। ओके ओके, उसका रेट जी जी। तो और ये जो आ रहा है तो आपके बाजार में कुछ दिक्कत हो रहा है या नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, देखिए जो गाड़ी लगेगी सर कम बेसी तो जिसे खाने का जिसको 2 रोटी है उसको मिल जाएगा 5 रोटी, वो तो है ही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो उतार चढ़ाव होते रहना। ओके, ऐसे पक्के बिल में आ रहा है तो जी, बिल्टी बन के आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइसेंस है ऑलरेडी। तो चाइना तो आ नहीं रहे? जी नहीं, चाइना नहीं आ रहा। बहुत ही अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए, देश को बचाना चाहिए। और भैया जी और एक बात बताना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे, जो आपका जो माल जा रहा है अभी जी तो सेलिंग है या नहीं ये बताओ? सेलिंग है सर, देखिए थोड़ा
कल थे जलमाष्टमी थे, उससे थोड़ा बिक्री डाउन थे। ओके ओके, तो रेट तो गिरा नहीं ना? रेट नहीं, रेट सेम है सर, रेट सेम है जी। तो ये बताइए, जो आपका जो माल जा रहा है, ये जो मासाखोर भाई लोग लेके जा रहे हैं, कहाँ पे ये खपत कर रहे हैं? इसे कोई केशवपुर ले जा रहे हैं, तो कोई गुड़गामा ले जा रहे हैं, कोई मंडी में बेच रहे हैं। ओके ओके, वखला ले जा रहे हैं, प्रकार से ले जा रहे हैं। ओके ओके, इस तरीके से काम चल रहा है ना। तो गाइस देखो, काफी भाइयों ने मुझे कमेंट किया था, जो कहाँ पे खपत हो रहा है ये भी बताओ। खपत यहाँ पे इस एरिया में हो रहा है, दिल्ली के आसपास जहाँ पे जा रहे हैं। और दिल्ली से बाहर जा रहा है कहाँ कहाँ जा रहा है? दिल्ली से बाहर सर देखे, नरेला वाले आ जाते हैं, उखला वाले आ जाते हैं, केशवपुर वाले। ये तो होता है दिल्ली के ही हो गया ना, दिल्ली से बाहर छोटा छोटा गाड़ी, जिसे अब छोटा छोटा जिसे हो गया ना सर, तो वहाँ से भी छोटी गाड़ी मंगा रहे थे। ओके ओके, डायरेक्ट जिसे छोटी मंडी है ना, छोटी मंडी में खुद गाड़ी छोटी मंगा लेते हैं, ढाई टन के, दो टन का। ओके ओके ओके, इसीलिए मतलब आप यहाँ पे लोकल में सेल हो रहा है सर। जब छोटी गाड़ी नहीं आते थे, अजातपुर मंडी में और तागड़ी बिक्री रहे। ओके ओके ओके, अभी छोटी गाड़ी आ रही है बोल के बाहर जा रहा है, वो डायरेक्ट मंगवाते है ना जी। काफी अच्छी बात है, किसानों का तरक्की हो रहा है धीरे धीरे जी जी। तो किसान भाई व्यापारी भाइयों को क्या बताओगे आप? देखिए सर, किसान भाइयों और व्यापारी भाई को ये कहा जा रहा है सर कि कोई अभी थोड़ा थोड़ा माल निकाले, और हाँ। बात ये भी है क्या, और रेट अभी बढ़ेंगे सर, और बढ़ेगा। जो हल्का लहसुन है वो निकालने में फायदे होंगे। ओके ओके, बढ़िया जो मोला लहसुन है, कम से कम तो 15-20 दिन के बाद आप निकालेंगे, तो और दो रुपया और महंगा पाएंगे। और 2 रुपए महंगा मिलेगा जी जी। मतलब और 15-20 दिन बाद माल रखे ही नहीं ना, धीरे धीरे निकालते रहे जी जी। आपका कहना ये है, अभी 2-4 दिन वेट करिए सर। ईरान वाले आएंगे तो फिर कुछ होता है, 2-4 गाड़ी जो आएंगे तो रेट भी घट सकते। ओके ओके ओके, ये भी एक दिक्कत होता है, दिक्कत हो सकती है। जो भविष्यवाणी जो बता रहे हैं, तो किसी को भविष्यवाणी नहीं चलती। ओके ओके, मतलब कुछ भी हो सकता है बाजार में, डेली उतार चढ़ाव लगा हुआ है। तो आज गाड़ी में कोई बंदे दिखाई कम दे रहे, क्या बात है? अभी आए नहीं कोई? अभी नहीं आए, नहीं बिक्री थोड़ा डाउन है, चल रहा है। ओके, आज डाउन बिक्री थोड़ा डाउन है ना, ये जन्माष्टमी की वजह से लोग आए नहीं आज जी। तो कल सारे लोगों ने रात को पार्टी वार्टी किया, मौज मस्ती की, डांस वांस किए होंगे, तो उसके बाद ये लोग थका से आज सो के सो रहे होंगे, तो कुछ लोग आए होंगे, इसलिए यहाँ पे आज कम दिखाई दे रहा है ग्राहक ही आपका। तो ये बताओ, 1 कट्टे भी सेल हुआ या नहीं? कम से कम बिकी है सर 40-50 कट्टे बिकी है सर। तो 40-50 कितने कट्टे आए गाड़ी में? इस कट्टे हैं इसमें मानिए कि 310 कट्टे हैं। 310 कट्टे हैं बाप जी। तो 300 कितना टन का माल है ये? ये 12 मानिए कि 13.5 टन आए हैं सर। 13.5 टन आया हुआ है। तो गाइस देखो, आपको सारा डिटेल्स पता चल गया है, और भैया ज्यादातर एमपी और छिपाबरोद का ही माल ज्यादा सेल आउट कर रहे हैं। सभी माल आ रहे हैं सर, आते तो है, मगर आपके पास ज्यादा गाड़ी जो है 70-80% वो है एमपी, तो और भी मीडियम लहसुन, क्योंकि मैं इसलिए आ तो रहे तो, मगर आपका जो मैं दिखाई देता है लोगों को भी पता चलता है, उसका जो ऊपर बात चलता है, क्योंकि आपका बहुत अच्छा चीज है। आपको भी, आप गरीबों को देख रहे हैं, यहाँ पे जो पल्लेदार भाई लोग, छोटे छोटे सेमी होलसेलर भाई लोग है, मसाखोर भाई लोग है, इनको देख रहे हो आप, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपके पास सबसे ज्यादा कस्टमर है सेलिंग करने का मीडियम लहसुनों का, तो इसीलिए मैं आता हूँ आपके पास, इंटरव्यू लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए जी। और तो कांटेक्ट नंबर दे दो भैया। सर मोबाइल नंबर है 8287419198, सीताराम गार्लिंग कंपनी, A262। तो दिए हुए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू सर।